में मूवमेंट होगा और 15 तारीख शाम के आसपास सौराष्ट्र कच्छ और इसके आसपास तो पाकिस्तान के कोस्टल एरिया है, इसमें तट को पार करेगा। तब इसका विंड स्पीड 125 to 135 kmph, गोस्टिंग टू 150 kmph हो सकता है। और ये जो विंड स्पीड है ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है और इसका डैमेज पोटेंशियल लार्ज स्केल हो सकता है। ये जो विंड अभी इसके साथ चल रहा है सेंटर पे 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा, वेस्टर्न से 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, मगर गुजरात कोस्ट के पास यानी सौराष्ट्र कच्छ की कोस्ट के पास अभी विंड स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कच्चे मकान वालों को, झोपड़पट्टी में रहने वालों को शेल्टर में शिफ्ट कर दिए हैं। पूरे द्वारका डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने 400 से अधिक आश्रय स्थान चिन्हित कर लिए हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस पूरी गतिविधि के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ, मंत्रीश्रियों के साथ मिलकर इसका पूरा जायजा लिया है और सभी लोगों को अलर्ट रहने के और जो भी करणीय है वो करने के आदेश दे दिए गए हैं। हम लोग पोरबंदर में है, पोरबंदर में बदला हुआ मिजाज आपको दिखाते हैं कि मौसम का मिजाज बदल गया है और जो समुंदर में बिपरजोय तूफान आ रहा है उसके कारण जो तटीय इलाका है वहाँ अलर्ट दे दिया है और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होने वाला है वो एरिया है पोरबंदर, द्वारका और कच्छ, जो तीनों इलाका है जहाँ ज़्यादातर इफेक्ट होने वाली है। तो रेलवे ने भी यहाँ तैयारी प्रशासन ने की है कि जो ट्रेन आने जाने वाली ट्रेनें हैं सौराष्ट्र के खास करके कोस्टल एरिया में वो सारी ट्रेनें रद्द कर दी है। हमारे साथ है पोरबंदर से रेलवे के ऑफिसर सर, ये बताइए कि अभी बदला हुआ मिजाज और आपकी क्या तैयारी? जिस तरह से अभी जो हालात खड़े हुए हैं तूफान की वजह से, तो उसके तैयारी के रूप से पोरबंदर स्टेशन के सभी उच्च अधिकारियों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं रेलवे के हेल्पलाइन नंबर भी तैयार किए, हेल्प डेस्क भी तैयार कर ली है,
जैसे कि आप जानते हैं यहाँ से कई सारी ट्रेनें बहुत सी चलती है, तो उन सबको इस तूफान की परिस्थिति की वजह से कैंसिल कर दी गई है। तो उनके जो कैंसिल हुए उसके कारण अगर यात्रियों को कोई असुविधा हो रही है तो उस वो असुविधा न हो उसके लिए रेलवे ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जैसे कि अगर किसी को खाने पीने की व्यवस्था तो उसके लिए भी व्यवस्था है, हमारे लिए फूड पैकेज तैयार है, पानी की बोतलें फूड पैकेज सब तैयार है। अगर कहीं भी अगर गाड़ी फंस जाती है तो यात्रियों को अपनी निर्धारित जगह पर पहुँचाने के लिए ST, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट उन सभी की पूरी व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है।